क्योंकि जो चीजें बॉडी बनाने के लिए यूज करते हैं ना, वो हेल्दी नहीं होती है। मैं आ रहा हूँ लास वेगास अमेरिका में इंडिया को। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं आपका दोस्त हर्ष पांडे। सिद्धांत जायसवाल क्यों है हॉस्पिटलाइज, इसकी कंप्लीट अपडेट लेकर आ चुका है। एंड दोस्तों नितिन चंडीला और बाकी बॉडी बिल्डर के विषय में डिटेल पूर्वक बात करेंगे। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पहले बॉडी बिल्डर हैं अली बिलाल। दोस्तों अली बिलाल की तरफ से उनकी लेटेस्ट फिजिक अपडेट आ चुकी है। जैसे कि आप इस पिक के माध्यम से देख सकते हैं कि इनका प्रेजेंट टाइम में वेट है 98 kg, और 98 kg में भी इनकी बॉडी कितनी ज्यादा शेडेड लग रही, बॉडी में फैट परसेंटेज काफी कम लग रहा। आप मिड सेक्शन देख सकते हैं, काफी ज्यादा सॉलिड लग रहा है, एब्स क्लियर रूप से विजुअल हो रहा है। तो दोस्तों आप लोग क्या लगता है, क्या अली बिलाल, जैसे कि आप यहाँ पर दूसरा वीडियो देख सकते हैं, इनके चेहरे में जिस प्रकार से मुस्कान है इस शो को जीतने के बाद, तो क्या वो ओलंपिया को जीतने के बाद भी इसी प्रकार की स्माइल देते हुए स्टेज से उतरेंगे, या फिर ये केवल टॉप 10 के अंदर में ही आ पाएंगे? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। जब अली बिलाल की बात हो रही तो अपने इंडियन बॉडी बिल्डर भुवन चौहान और इमरान खान कैसे पीछे रह सकते हैं? दोस्तों भुवन चौहान ने भी अपने लेटेस्ट फिजिक अपडेट शेयर करते हुए इस पिक को शेयर किया है। प्लस आप इस वीडियो के माध्यम से भी देख सकते हैं कि इनकी बॉडी के प्रेजेंट टाइम की कंडीशन कैसी लग रही है। वहीं हमारे दूसरे इंडियन बॉडी बिल्डर इमरान खान भी अपने लेटेस्ट फिजिक अपडेट को शेयर करते हुए इंस्टाग्राम पर लाइव आते हैं, जिसमें वो अपने मिड सेक्शन को शो करते हैं और वहां पर वो दिखाते हैं कि उनकी जो स्किन है वो पेपर थिन स्किन हो चुकी है। तो दोस्तों आप लोग क्या लगता है कि इन तीनों बॉडी बिल्डर में से कौन सबसे आगे रहेगा, भुवन चौहान, अली बिलाल या अपने इमरान खान? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। अब दोस्तों हम अपने नेक्स्ट कैंडिडेट के विषय में बात कर लेते हैं। तो हमारे नेक्स्ट बॉडी बिल्डर है IFBB प्रो कार्ड होल्डर पंकज गजवानी। पंकज गजवानी भी अपने लेटेस्ट फिजिक अपडेट शेयर करते हुए अपनी अपर बॉडी की कंप्लीट अपडेट देते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर इनकी कंडीशन देख सकते हैं। आप लोग क्या लगता है, क्या पंकज गजवानी को इंटरनेशनल शो के हिसाब से, मतलब कि ओलंपिया के हिसाब से, अभी और भी ज्यादा मसल मास गेन करना पड़ेगा कि नहीं? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और दोस्तों आप लोगों को यदि पंकज गजवानी के जैसे सॉलिड सिक्स पैक चाहिए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पंकज गजवानी अपने सिक्स पैक किस प्रकार से ट्रेन करते हैं। तो आप भी इस प्रकार से ट्रेन करके आप भी अपने मिड सेक्शन को सॉलिड बना के शो ऑफ कर सकते हैं। अब दोस्तों हम अपने नेक्स्ट कैंडिडेट के विषय में बात कर लेते हैं। तो हमारे नेक्स्ट बॉडी बिल्डर है मुकेश सिंह गहलोत। अब मुकेश सिंह गहलोत ने क्या टिप्स दी है उसको सुन लेते हैं। दोस्तों आप अक्सर बोलते हैं कि सर डेडलिफ्ट करने से बैक में पेन आ जाता है, तो भैया डेडलिफ्ट करने से पेन नहीं आता, आप डेडलिफ्ट नहीं करते हैं इसलिए पेन आता है। अगर आप बैक की स्ट्रेंथनिंग करेंगे, डेडलिफ्ट को रेगुलर करेंगे, लोअर बैक की एक्सरसाइज करेंगे, सही पोस्चर में डेडलिफ्ट लगाएंगे, खास तौर से आपकी बार आपके सिन के नज़दीक से आना चाहिए, आपका चेस्ट अप रहेगा, हिप डाउन रहेगा, जैसे मैंने इस वीडियो में दिखाया भी है। अगर आप सही पोस्चर में रेगुलर डेडलिफ्ट को ऐड करेंगे, धीरे धीरे अपना लोड को ग्रेजुअली इंक्रीज करेंगे, तो आपको इससे बैक में पेन नहीं आएगा। और डेडलिफ्ट एक सिंगल ऐसी एक्सरसाइज है जो आपको पूरी लाइफ फिट रख सकती है, बिल्कुल भी इसको नेगलेक्ट ना करें, पोस्चर पे काम करें, धीरे धीरे स्ट्रेंथ बढ़ाएं। और अगर आपको ऑलरेडी बैक में स्टिफनेस से पेन है तो लाइट वेट से डेडलिफ्ट आप करेंगे तो वो एक थेरेपी का काम करेगी, जैसे ये सिखाया है वीडियो में। हैवी वेट आपको स्ट्रेंथन करने के लिए है, लाइट वेट आपके लिए थेरेपी है। अगर आपको ऑलरेडी बैक में स्टिफनेस है तो डेडलिफ्ट को ज़रूर अपने शेड्यूल में ऐड करें, घबराएं ना, पोस्चर का ध्यान रखें। थैंक यू। अब हम सुन लेते हैं कि आनंद आर्नोल्ड सर की तरफ से ओलंपिया की क्या अपडेट आई है। Hi guys, this is आनंद आर्नोल्ड और मैं आ रहा हूँ लास वेगास अमेरिका में इंडिया को रिप्रेजेंट करने ओलंपिया के स्टेज पे। और ये कॉम्पिटिशन रहेगा 15 तारीख से लेके 18 तारीख तक, और मेरे पेज पे बने रहिए और मैं सारी जो है आपको अपडेट डालता रहूंगा। सो एक बार फिर जो है मैं ओलंपिया में आ रहा हूँ, जैसे 2018 में आया था, इंडिया को रिप्रेजेंट करने। जय हिंद। हमारे नेक्स्ट बॉडी बिल्डर है नितिन चंडीला। और दोस्तों नितिन चंडीला ने भी अपना पीक वीक स्टार्ट कर दिया, इससे रिलेटिव वो क्या अपडेट दे रहे हैं उसको सुन लेते हैं। जैसा आपको पता है बॉडी बिल्डिंग के जो लास्ट के डेज होते हैं, जो कंपटीशन के लास्ट के दिन होते हैं, उनमें बहुत ही ज्यादा दुख दर्द होता है, तो वो दुख दर्द आने स्टार्ट हो चुके हैं। कल एक गलत पिन हो गया, उसकी वजह से पीछे सजावट आ गई और पूरी रात परेशान रहा, ना सो पाया एक तरफ टेक के ना। तो भाई ऑलमोस्ट वर्कआउट अपना डन, बहुत अच्छा वर्कआउट रहा, 7 एक्सरसाइज करी अभी लास्ट रहती है अपनी बटरफ्लाई, जिसमें पेटेक्सफ्लाई बोलते हैं वो रहती है, बाकी क्वालिटी आप देख सकते हो। और चलो एब्डोमिनल अभी थोड़ा वीक है, बाकी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त वर्कआउट रहा। जैसे कि आप लोगों ने सुन लिया कि नितिन चंडीला को पीक वीक के समय में क्या प्रॉब्लम हो रही है, उनकी प्रेजेंट टाइम की कंडीशन क्या है। अब हम आपको बता देते कि नितिन चंडीला दिसंबर मंथ में होने वाले वर्ल्ड चैंपियनशिप जो कि थाईलैंड में होगा उसमें पार्टिसिपेट करने वाले ये
6 से 12 दिसंबर के बीच में होने वाला मतलब कि नितिन चंडीला का पीक वीक स्टार्ट हो गया, जैसे कि नितिन चंडीला ने खुद ही वीडियो में बताया। और आप यहां पर जो दूसरी पिक देख रहे हैं यह एशियन वर्ल्ड चैंपियनशिप की, जिसमें नितिन चंडीला बॉडी बिल्डिंग कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीते थे और इसी कैटेगरी में अनुज तालियान ने गोल्ड मेडल जीता था। तो दोस्तों आप लोग क्या लगता है, क्या नितिन चंडीला इस बार वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत पाएंगे कि नहीं, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट कैंडिडेट के विषय में बात कर लेते हैं। तो माय नेक्स्ट बॉडी बिल्डर है आप सभी के फेवरेट बॉडी बिल्डर सिद्धांत जायसवाल। आओ सुना है ज्ञान की एक कहानी। तो शो के बाद क्या होता है कि हम लोग अपना ब्लड वर्क करते हैं, तो ब्लड वर्क में लीवर एंजाइम, लिपिड प्रोफाइल, कंप्लीट ब्लड काउंट, सीआरपी, सी रिएक्टिव प्रोटीन जिसको बोलते हैं, तो सब कुछ मैंने किया, सब कुछ सही था। बट उसके बाद भी ना, जैसे मुझे कुछ फूड से कुछ एलर्जी है, फूड से कुछ प्रॉब्लम था, तो खाने के बाद थोड़ा कभी वोमिट तो कभी कुछ तो कभी कुछ वैसा वैसा लगा रहता था। तो अभी इधर रिलायंस के हॉस्पिटल में आया हूँ, गैस्ट्रोलॉजिस्ट है मेरे, 3 साल से उनके अंडर में हूँ मैं, तो वही मेरा देख रेख करते हैं। शो के बाद उन्हीं के पास मैं आ जाता हूँ। आपके पास जितने भी प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर है ना, उनके पास कोई ना कोई एक गैस्ट्रोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट और कार्डियोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, ये सब चीज़ें होनी चाहिए अगर आपको लंबा खेलना है, जैसे मुझे लंबा प्रो शो खेलना है। तो अभी मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया, सारा रिपोर्ट वोपोर्ट निकाला, सब कुछ क्लीन था, बट आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा था फूड का क्या प्रॉब्लम है। तो अभी मैंने एंडोस्कोपी किया है। एंडोस्कोपी में क्या होता है, पहले आपको एनेस्थीसिया देते हैं, एनेस्थीसिया जब आप लेते हैं तो लुंड हो जाते हैं एकदम बेहोश, तो अभी एकदम बेहोश था। तो फिर मेरे मुंह में पाइप डाला उन्होंने, पाइप में कैमरे लगे थे और वो कैमरे से फिर अंदर का अलंजर पलंजर देख रहे थे, तो एवरीथिंग वाज फाइन। अभी होगा फिब्रो स्कैन। अरे एक इंस्टा के लिए बनाया, वीडियो लंबा मत करो, तो एक इंस्टा के लिए बनाते, एक यूट्यूब के लिए फॉर अवेयरनेस। अभी देखो लोग क्या होता है कि छोटा सा बॉटल लेके बॉडी बिल्डिंग कर लेते हैं, बट बॉडी बिल्डिंग वो नहीं है, मेरा काम है अवेयरनेस फैलाना, तो ताकि लोग जो होता है जितना उस पर खर्चा करते हैं उतना अपने ब्लड वर्क पे, उतना अपने ऑर्गन का ख्याल रखने के लिए, टेक केयर करने के लिए करें, ताकि लंबे समय तक सस्टेन करें, अर्नोल्ड के जैसा, सिल्विस्टर के जैसा लंबा चले, ताकि कोई ये ना बोले कि यार जिम में आके लोग मर गए। नहीं, जिम आके लोग नहीं मरते जब ध्यान नहीं देते हैं, अपना टेक केयर नहीं करते हैं, क्योंकि जो चीज़ें बॉडी बनाने के लिए यूज़ करते हैं ना, वो हेल्दी नहीं होती है। लीवर टॉक्सिस होती है, कार्डियो टॉक्सिस होती है, न्यूरोटॉक्सिस होती है, बीवी से लोग झगड़ा कर लेते हैं, घर में झगड़ा कर लेते हैं, क्योंकि दिमाग ख़राब हो जाता है। तो जब आपका कंपटीशन ख़त्म होता है तो अपना ब्लड वर्क करते हो, आइडेंटिफाई नहीं होता है, प्रॉब्लम होता है, तो ये सब चीज़ें आपको करानी पड़ती हैं। आइडेंटिफाई हो जाता है तो फिर डॉक्टर देखता है, आपको बता देता है कि भैया ये फूड खाना है, ये फूड नहीं खाना है। अभी मुझे लगता है ना कि मुझे पहले तो नहीं था, बट अभी हो गया है लैक्टोज से प्रॉब्लम, तो दूध वाले जो भी आइटम मैं खा रहा हूँ तो उससे मुझे गैस या एसिडिटी ऐसी वैसी चीज़ें हो रही हैं। तो अब सारा रिपोर्ट वगैरह देख लेंगे डॉक्टर, तो बताएंगे कि क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। तो जब वो सब चीज़ें हो जाएगी तो फिर मस्त अच्छे से प्रो शो की तैयारी करूँगा। ये सब मेरा मेकअप देख के डरना मत, ये जो होता है तुम्हारा ऑक्सीजन लेवल चेक करने के लिए होता है, ये ऑक्सीजन जा रहा है उसके लिए है, और ब्लड प्रेशर वगैरह चेक हो गया। स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, कल अभी ट्रेनिंग करते हुए मिलूँगा और ये चेकअप करा रहा हूँ ताकि मुझे पता चले और लंबा खेलो, 100 साल जीना है। बॉडी बिल्डिंग एक हेल्दी गेम है, उसको बताना है प्रॉपर तरीके से करो। तो बाकी जो रिपोर्ट वगैरह आता है मैं बताता हूँ आपको। थैंक यू।